हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और प्लेसमेंट प्रिपरेशन का क्वेश्चन लेके, जो कि है इक्विलिब्रियम इंडेक्स फाइंड आउट करना। ये क्वेश्चन अडोबी जैसी कंपनीज, अमेजोन जैसी कंपनीज में पूछा गया है कोडिंग इंटरव्यू या टेक्निकल राउंड के टाइम पे। अब पहले समझेंगे कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, यानी इक्विलिब्रियम इंडेक्स जो हमें फाइंड आउट करना है उसमें हमें करना क्या है। उसके बाद देखेंगे दो अप्रोचेस जिनकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे कंपैरिजन इन दो अप्रोचेस का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट का क्या मतलब है या इक्विलिब्रियम इंडेक्स का क्या मतलब है। इक्विलिब्रियम इंडेक्स देखने में बहुत हैवी कॉन्सेप्ट लगता है, बट बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक एरे गिवन है, तो उस एरे में आपको वो इंडेक्स फाइंड आउट करना है जिस इंडेक्स के राइट साइड का सम और लेफ्ट साइड का सम बराबर हो। मतलब अगर सपोज आपने ये वाला पॉइंट बोला कि ये वाला पॉइंट यानी इंडेक्स वैल्यू 1 इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो इसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं उनका सम बराबर होना चाहिए। अगर मैं 3 को कंसिडर करूँ, तो 3 के लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स का सम क्या है, 1, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। और यहाँ पर इसके राइट साइड में कितने एलिमेंट्स का क्या सम है, 5 + 4 यानी 9। तो क्योंकि राइट साइड का सम और लेफ्ट साइड का सम बराबर नहीं है, तो 3 हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। अब ऐसे ही करते करते एक एक करके चेक करते हैं, ताकि हमें पता चले कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है। देखो, फर्स्ट एलिमेंट कभी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, अनलेस एंड अनटिल उसके राइट साइड में सारे जीरोज हैं। क्योंकि जब हम फर्स्ट एलिमेंट को कंसिडर करते हैं, उसके लेफ्ट साइड का सम तो जीरो हो गया, क्योंकि कोई एलिमेंट है ही नहीं, और राइट साइड के सारे एलिमेंट्स का सम इस केस में क्या होगा, 3 + 5 = 8 + 2 = 10 और यहाँ पे 12। और क्योंकि 0 और 12 बराबर नहीं है, इसीलिए 1 यानी 0 इंडेक्स भी इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा नहीं है। अब कंसिडर करते हैं इंडेक्स वैल्यू 2, इसमें है वैल्यू 5। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस इंडेक्स पे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, उस इंडेक्स की वैल्यू को हमें सम में इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो अब अगर मेरा 5 इंडेक्स वैल्यू 2 पे आता है, तो इसके राइट साइड में क्या वैल्यूज आ रही हैं, 1 और 3, और इसके लेफ्ट साइड में वैल्यूज आ रही हैं 1 और 3, और राइट साइड में वैल्यूज आ रही हैं 2 और 2। 1 और 3 का सम है 4, 2 + 2 का सम है 4। तो दोनों राइट और लेफ्ट, 5 के राइट और लेफ्ट का सम बराबर है, यानी 5 एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है या फिर इक्विलिब्रियम इंडेक्स है। और आपको क्योंकि ये बोला गया है कि एक इक्विलिब्रियम इंडेक्स फाइंड आउट करो, तो जो भी पहला इक्विलिब्रियम इंडेक्स आपको मिलता है, आप उसे प्रिंट करा दीजिए। हो सकता है कि एक से ज़्यादा इक्विलिब्रियम इंडेक्स भी हो किसी भी एरे में, लेकिन करंट क्वेश्चन में आपको एक ही इक्विलिब्रियम इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। अगर मल्टीपल भी पूछा जाए, तो आप ये प्रोसेस कंटिन्यू रख सकते हैं, यानी हर एलिमेंट के लिए उस एलिमेंट के राइट, जो भी हम एलिमेंट अभी कंसिडर कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं क्या वो इक्विलिब्रियम इंडेक्स होगा या नहीं, तो उस एलिमेंट के राइट साइड के एलिमेंट्स का सम और उसके लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स का सम फाइंड आउट करो, LS और RS। और राइट सम और लेफ्ट सम अगर बराबर हुए, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट एलिमेंट को कंसिडर करो। तो सबसे बेसिक अप्रोच या सबसे नाइव अप्रोच, जिसे मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच भी कहती हूँ, या फिर आप कह सकते हैं कि बेसिक जो बिल्कुल ही स्टार्टिंग पॉइंट अप्रोच आपको देनी चाहिए, आपके अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सब आपको देनी चाहिए डबल लूप अप्रोच। डबल लूप अप्रोच का क्या मतलब है कि पहला एक लूप हम रन करेंगे जो एक एक करके कंसिडर करेगा एरे के हर एलिमेंट को एज इक्विलिब्रियम इंडेक्स, ठीक है। तो मेरा अगर लूप वेरिएबल है आई, तो वो पहले स्टार्ट होगा इंडेक्स वैल्यू 0 से और कहाँ तक जाएगा, लास्ट इंडेक्स वैल्यू तक। अगर एन एलिमेंट्स हैं, तो n-1 तक जाएगा, इंडेक्स वैल्यू होगी n-1, ठीक है। तो अब जब I की वैल्यू हुई 0, यानी 0 को मैं कंसिडर कर रही हूँ अपना इक्विलिब्रियम इंडेक्स, तो उसके लिए मैं एक अंदर इसी लूप के अंदर एक लूप लगाऊंगी जो कैलकुलेट करेगा
करंट जो भी मेरा इक्विलिब्रियम इंडेक्स है जो आई से डिनोट कर रहा है उसके लेफ्ट के एलिमेंट्स का सम, और एक और फॉर लूप लगेगा जो कि कैलकुलेट करेगा इस करंट इंडेक्स वैल्यू के राइट साइड के एलिमेंट्स का सम, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे डबल लूप मैंने इसे अप्रोच को इसलिए कहा क्योंकि एक फॉर लूप के अंदर दूसरे फॉर लूप है ना, दूसरे फॉर लूप के अंदर तीसरा फॉर लूप नहीं है, रैदर पहला वाला जो फॉर लूप है उसी के अंदर दो फॉर लूप्स हैं, वन ए और वन बी। तो इसमें हमारा टाइम थ्री टाइम्स नहीं होगा, हमारा टाइम पावर ऑफ टू में बढ़ेगा रैदर ऑफ पावर ऑफ थ्री, थ्री टाइम्स नहीं। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बता ही देती हूँ, मैंने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही लिया है, अगर ये लूप एन टाइम्स चलेगा क्योंकि हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, और फिर हर एलिमेंट के लिए उसके लेफ्ट और राइट का सम निकालेंगे, तो अगर ये लूप एन टाइम्स चलेगा तो इंटरनल जो लूप है फोर वाला वो भी मैक्सिमम एन टाइम्स चलेगा और ये भी n टाइम्स चलेगा राइट वाला। तो ये तो हो गया n प्लस n और ये हो गया n into n, मतलब आउटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय इनर ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n, है ना। मतलब मैं यहाँ पे लिखती हूँ बाहर वाला लूप चल रहा है n टाइम्स और इनर में कितना काम हो रहा है दो लूप्स में n प्लस n टाइम्स, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं और यहाँ पे प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दो लूप्स सेम ही लेवल पे हैं, एक के अंदर एक काम नहीं हो रहा, ये लूप इंडिपेंडेंटली एन टाइम्स चल रहा है, ये लूप इंडिपेंडेंटली एन टाइम्स चल रहा है। और टोटल कितनी बार ये लूप्स चलेंगे, टोटल जो आउटर लूप हमारा है तो ये आपका आ जाता है एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम एज अगर हम कॉन्स्टेंट निकालें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये थी फर्स्ट अप्रोच जिसे हम एक बार पाइथन कोड में भी देख लेते हैं, और अगर आपको अप्रोच में कोई भी डाउट है तो इस कोड को देख के आपको वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने पाइथन में एक फंक्शन डिफाइन करा है डेफ कीवर्ड यूज करके, फंक्शन का नाम मैंने दिया है इक्विलिब्रियम, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और इसमें फंक्शन में मैंने एक एरे वैल्यू एरे पास किया है जिसका इक्विलिब्रियम इंडेक्स हम मुझे फाइंड आउट करना है, क्योंकि मुझे लूप्स रन करने हैं स्टार्टिंग से लेके एंड ऑफ द एरे तक। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगी कि एरे की लेंथ कितनी है, एरे की लेंथ मेरी एन में आ जाएगी, लेकिन लास्ट इंडेक्स कौन सा होगा एरे का, एन माइनस वन, ठीक है। अब मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम मैंने लिखा है इक्यू इंडेक्स, यानी इक्विलिब्रियम इंडेक्स करेंटली माइनस वन असाइन किया है। देखो कई बार क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि अगर कोई इक्विलिब्रियम इंडेक्स है ही नहीं एरे में तो रिटर्न कर दो माइनस वन, तो इस केस में मैंने जो इक्विलिब्रियम इंडेक्स वाली वैल्यू है उसे पहले ही इनिशियल वैल्यू दे दी माइनस वन। अगर ये लूप अगर ये पूरे कोड के टाइम पे ये वैल्यू चेंज नहीं होती तो ऑटोमेटिकली जब लास्ट में मैं इक्विलिब्रियम इंडेक्स प्रिंट करा रही हूँ तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा माइनस वन। अदरवाइज अगर हमें इक्विलिब्रियम इंडेक्स मिलता है पूरे कोड के अंदर तो ये वैल्यू माइनस वन से चेंज होके उस इंडेक्स वैल्यू को पॉइंट आउट करेगी जहाँ पे इक्विलिब्रियम इंडेक्स हमें मिला है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एक लूप लगा रहे हैं। पहले लूप में हमने एक एक एलिमेंट को पिक किया एरे के और कंसिडर उसे करा कि सपोज अगर ये इक्विलिब्रियम इंडेक्स है तो फाइंड आउट करो इसके लेफ्ट के एलिमेंट्स का सम कितना है और इसके राइट साइड के एलिमेंट्स का सम कितना है ना। राइट और लेफ्ट के सम को हम लूप के अंदर ही हर बार जीरो से इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने पहला एलिमेंट पिक करा उसका लेफ्ट और राइट सम कुछ वैल्यू मेरे पास आएगी, फिर जब मैं सेकेंड एलिमेंट इक्विलिब्रियम इंडेक्स कंसिडर करूंगी और उसका राइट और लेफ्ट सम वापस से कैलकुलेट करूंगी तो मुझे चाहिए कि वो इनिशियल वैल्यू लेफ्ट और राइट की वापस से जीरो हो और फिर मैं दोबारा से कैलकुलेट करूं, ताकि पिछली आइट्रेशन के लेफ्ट और राइट के सम इस वाली आइट्रेशन में मेरी वैल्यूज में एड अप ना हो, ठीक है। तो इसीलिए हर बार जब हम एक नए एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं इक्विलिब्रियम इंडेक्स तो हम लेफ्ट और राइट सम को इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं जीरो हर बार हर नए एलिमेंट के लिए। फिर हम दो लूप चला रहे हैं, ये लूप क्या करेगा, ये लूप चलेगा स्टार्टिंग ऑफ द एरे से
आई माइनस वन तक, आई माइनस वन क्योंकि ये रेंज फंक्शन एक कम वैल्यू तक चलता है, मैं ये हर वीडियो में आपको बताती हूँ तो आपको अभी तक पता हो जाना चाहिए। और आई माइनस वन तक हम क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए आई अगर एलिमेंट है जिसे हम इक्विलिब्रियम इंडेक्स कंसिडर कर रहे हैं तो स्टार्टिंग ऑफ द एरे से लेके आई माइनस वन इंडेक्स तक यानी सारे लेफ्ट साइड के इसके एलिमेंट्स का सम निकालो और राइट साइड वाले एलिमेंट्स का क्या इंडेक्स वैल्यू होगी, आई से एक बड़ा इंडेक्स विच इज आई प्लस वन और कहां तक जाएगा एन माइनस वन तक। तो लेफ्ट सम में हर बार हम राइट लेफ्ट वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें ऐड कर रहे हैं, फिर सेकंड वाला जो लूप है ये राइट साइड के एलिमेंट्स का सम निकाल रहा है कैसे, आई प्लस वन से ये एन माइनस वन तक जाएगा और हर बार राइट सम में ये वैल्यू ऐड कर रहा है राइट साइड के एलिमेंट्स की। तो अगर मेरे पास ये एरे था 1 3 5 2 2 ठीक है, तो आई की अभी अगर मैं इसका ड्राई रन यहाँ पे करके बताऊँ, आई की वैल्यू है 0 ठीक है, इस आई डिनोट कर रहा है इंडेक्स, तो आई इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सा एलिमेंट अभी हम इक्विलिब्रियम में कंसिडर कर रहे हैं, एलिमेंट 1। तो इस केस में लेफ्ट सम क्या हो जाएगा, लेफ्ट सम को तो हमने 0 इनिशियलाइज करा है क्योंकि लेफ्ट अभी कोई एलिमेंट है ही नहीं 1 के, और राइट सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ 3 5 2 एंड 2 ठीक है। तो यहाँ पे राइट सम क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, सॉरी 12 आ जाएगा राइट। तो यहाँ पे आपका राइट सम और लेफ्ट सम बराबर नहीं है, तो आई हम यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे 1 कर देंगे। फिर हम 3 के लिए चेक करेंगे, 3 के लिए लेफ्ट सम क्या आएगा 1 आएगा और राइट सम क्या आएगा 9 आएगा। अगेन इक्विलिब्रियम इंडेक्स हमें नहीं मिला है क्योंकि लेफ्ट और राइट सम बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे आई को 1 इंक्रीज कर देंगे, आई की अब वैल्यू हो गई 2। आई की 2 वैल्यू का क्या मतलब है, आई अब कौन से एलिमेंट पे पॉइंट आउट कर रहा है, एलिमेंट नंबर 5 पे है ना, एलिमेंट नंबर 5 पे जब आई पॉइंट आउट कर रहा है तो इसका लेफ्ट का सम क्या आ जाएगा 4, राइट का सम भी आ जाएगा 4, तो आपका ये इक्विलिब्रियम इंडेक्स मिल गया। और जैसे ही लेफ्ट और राइट का सम बराबर होता है आप इक्विलिब्रियम इंडेक्स में वैल्यू डालेंगे जो वेरिएबल था आई और लूप से ब्रेक करेंगे। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है ब्रेक सबसे इनर मोस्ट लूप से ब्रेक करता है जिसमें वो रिटन है। इसका क्या मतलब है, ब्रेक अभी कौन से वाले लूप के अंदर लिखा गया है, ब्रेक लिखा गया है इस वाले फॉर लूप के अंदर जिसमें आई वेरिएबल था लूप वेरिएबल। ये फॉर लूप यहाँ ख़त्म हो गया, ये फॉर लूप यहाँ ख़त्म हो गया, तो ये ब्रेक इस इफ स्टेटमेंट के अंदर है और ये इफ स्टेटमेंट इस फॉर के अंदर है। तो ब्रेक जैसे ही आएगा हमारा फॉर लूप एंड हो जाएगा और ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा ठीक है। तो अब मैंने इसी कोड को रन किया है 3-4 डिफरेंट टाइप्स के एरे के ऊपर जिसमें अलग अलग सिचुएशंस है, तो हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आना चाहिए। देखो अगर एक ही एलिमेंट है तो एक एलिमेंट के केस में लेफ्ट का इनिशियल सम जो हमने 0 दिया है और राइट साइड का भी इनिशियल सम 0 दिया है, दोनों ही सम बराबर है, तो ये सिंगल एलिमेंट खुद में ही इक्विलिब्रियम इंडेक्स होता है, तो इसका इंडेक्स आ जाएगा 0 ठीक है। अब ये वाला तो हमने ड्राई रन में केस कंसिडर करा ही है, इसमें 5 वैल्यू है इक्विलिब्रियम वैल्यू और इसका इंडेक्स है इंडेक्स 2। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर इक्विलिब्रियम वैल्यू पूछी जाए तो वैल्यू बतानी है एरे के एलिमेंट की, अदरवाइज इंडेक्स पूछा जाए तो इंडेक्स बताना है, तो हमें यहाँ पे इंडेक्स बताना है तो उसका आउटपुट आएगा 2। अब इस केस में चेक करते हैं कि क्या इक्विलिब्रियम इंडेक्स होगा। जब हम आप अगर ध्यान से देखो जब आप इन 3 एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो आपका सम क्या आएगा, -7 + 1 = -6, -6 + 5 = -1 और जब आप इन 3 एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो क्या सम आएगा, -4 + 3 = -1। तो आपका ये पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू विच इज इंडेक्स वैल्यू 3 इक्विलिब्रियम इंडेक्स है इस केस में। और लास्ट वाला जो एरे है वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें कोई इक्विलिब्रियम इंडेक्स नहीं है। आप तीनों के लिए तीनों वैल्यूज को कंसिडर करो, इक्विलिब्रियम इंडेक्स वो है या नहीं, लेफ्ट और राइट के सम कैलकुलेट करो और आपको पता लगेगा कि इसमें कोई इक्विलिब्रियम इंडेक्स नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर दी है -1। अब
इस अप्रोच के प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का वेट करने की नीड नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहली अप्रोच की ज़्यादा है क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर हम कभी भी बेस्ट केस सिनेरियो नहीं लेके चलते, हम हर बार ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब वाली अप्रोचेस को इम्प्रूव करते हैं, है ना। तो इस अप्रोच की इम्प्रूवमेंट है हमारी सेकेंड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच में हमें एक लूप के अंदर दूसरा लूप नहीं लगाना है, इंस्टेड हम दो वेरिएबल्स रखेंगे अपने पास। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं वेरिएबल रख रही हूँ लेफ्ट और राइट। हम एक ही बार पूरे लूप पे मूव करेंगे और इन वैल्यूज़ को, इन वेरिएबल्स में जो वैल्यू स्टोर है उसे अपडेट करेंगे। अब देखो क्या करेंगे हम, एक लेफ्ट वाला जो वेरिएबल है वो स्टार्टिंग ऑफ द एरे पे पॉइंट करेगा शुरुआत में, और जो राइट वाला वेरिएबल है वो एंड ऑफ द एरे यानी लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे पे पॉइंट आउट करेगा। तो लेफ्ट की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई 1, राइट की इनिशियल वैल्यू क्या है 2। क्योंकि लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है तो अभी तक हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिला है। फिर आप लेफ्ट की वैल्यू को एक इंक्रीज करोगे, बेसिकली आप यहाँ पे लेफ्ट इंडेक्स स्टोर कर रहे हो और राइट इंडेक्स स्टोर कर रहे हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो लेफ्ट और राइट में आप सम स्टोर करो और इंडेक्स मेंटेन करने के लिए आप एक लूप वेरिएबल रख लो, है ना। तो लूप वेरिएबल मैं ले लेती हूँ आई, आई की इनिशियल वैल्यू थी 0, 0 जब वैल्यू थी तो लेफ्ट की वैल्यू आई 1 और राइट की वैल्यू आई 2, तो आई मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम इंडेक्स नहीं है। फिर आई की वैल्यू मैंने एक इंक्रीज करी 1 करी। इस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट में भी एक एलिमेंट ऐड करना है, यानी देखो ये आई जो है वो एक्चुअली इंडेक्स पे पॉइंट नहीं कर रहा है, ये वैल्यू एक एक करके ऐड कर रहा है लेफ्ट और राइट में, ठीक है। मैं एक बार ये अप्रोच स्टार्टिंग से दोबारा बताती हूँ ताकि आपको ये क्लैरिटी हो जाए। हमने यहाँ पे तीन चीज़ें, तीन वेरिएबल्स लिए हैं। एक वेरिएबल है हमारा आई जो कि हमें एरे पे मूव करने में हेल्प करेगा, दूसरा वेरिएबल है हमारा लेफ्ट, लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स का सम स्टोर करेगा, और एक वेरिएबल है हमारा राइट जो राइट साइड के एलिमेंट्स का सम स्टोर करेगा। तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके एन माइनस 1 तक जाएगी, है ना। एन माइनस 1 तक हमने इसे मूव करना है। जब आई की वैल्यू 0 है तो हम लेफ्ट में क्या ऐड कर रहे हैं, पहला एलिमेंट हमने लेफ्ट में ऐड किया, और राइट में हमने कौन सा एलिमेंट ऐड किया, n माइनस i या फिर n माइनस 1 माइनस i, यानी लास्ट एलिमेंट हमने ऐड किया। तो i की अगर वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा n माइनस 0 माइनस i, विच इज n माइनस 1th एलिमेंट हमने ऐड किया। राइट में क्या वैल्यू आ गई, 2। फिर लेफ्ट में वैल्यू हमने देखी, आई की वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं यानी एरे के आईएथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसे लेफ्ट में ऐड कर दो, और यहाँ पे एरे के एन माइनस 1 माइनस आईएथ पोजिशन पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उसे राइट सम में ऐड कर दो। अब अगर आप यहाँ पे आई को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे n माइनस 1 माइनस आई होगा। अगर आप आई को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पाइथन कोड में, मैं आपको दूसरा केस भी दिखाऊंगी, तो उस केस में n माइनस आई होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हमें राइट सम में पहला एलिमेंट कौन सा स्टोर कराना है, लास्ट वाला। आई अगर मेरा 1 है तो लास्ट वाला एलिमेंट n माइनस 1 लोकेशन पे आएगा जब आई की वैल्यू 1 है, और अगर आई मेरा 0 है तो लास्ट एलिमेंट n माइनस 1 माइनस आई पोजिशन पे आएगा, है ना, n माइनस 1 ऐसे आएगा। तो इसीलिए डिपेंड करता है आप आई को कौन सी इनिशियल वैल्यू दे रहे हो। अब आई की वैल्यू 0 से बढ़कर हमने 1 करी है, तो 1 आई की जब वैल्यू है तो लेफ्ट में क्या ऐड होगा, 1 जो वैल्यू है एरे ऑफ आई यानी एरे ऑफ 1 ऐड हो जाएगा करंट लेफ्ट की वैल्यू में। एरे ऑफ 1 क्या है आपका, 3 है। करंट लेफ्ट सम की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। और राइट सम में क्या ऐड होगा, उसकी करंट वैल्यू यानी राइट सम की जो भी करंट वैल्यू थी प्लस एरे ऑफ n माइनस 1 माइनस आई, और आई की वैल्यू अभी क्या है,
वन वैल्यू है, तो एरे ऑफ एन माइनस वन माइनस वन जो कि आपको देगा एन माइनस टू, यानी आप सेकेंड लास्ट एलिमेंट ऐड करोगे राइट सम में. तो राइट सम में जब आपने सेकेंड लास्ट एलिमेंट ऐड किया तो आपके पास फोर आए ये वैल्यू. यहाँ पे भी फोर है, यहाँ पे भी फोर है, तो आपको अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया है. अब इक्विलिब्रियम पॉइंट इस केस में जब आई को आपने जीरो से स्टार्ट करा है, आई प्लस वन है ना, ये इंडेक्स वैल्यू क्या है, इस इंडेक्स वैल्यू, ये है इंडेक्स वैल्यू टू और आई की करंट वैल्यू है वन, तो आई प्लस वन वैल्यू आपको इक्विलिब्रियम इंडेक्स देगी इस पर्टिकुलर केस में जब आई को आपने जीरो से स्टार्ट किया है ना. इक्विलिब्रियम इंडेक्स आपका हो जाएगा आई प्लस वन पे, और अगर आपने आई को वन से स्टार्ट किया है तो इक्विलिब्रियम इंडेक्स आपका एग्जैक्टली आई पोजिशन होगी. इसका पाइथन कोड देख लेते हैं और फिर देखेंगे कि ये अप्रोच कैसे बेटर है प्रीवियस अप्रोच से. अब इसके पाइथन कोड में हमने सबसे पहले एरे पास किया है फंक्शन में, और उस फंक्शन में हमने सबसे पहले इस एरे की लेंथ निकाली है, क्योंकि लेंथ तक ही हमारा फॉर लूप, सिंगल फॉर लूप यहाँ पे चलेगा. अगर एक ही एलिमेंट है एरे में तो डायरेक्टली हम प्रिंट करा सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इंडेक्स हमारा जीरो ही है, क्योंकि वही एलिमेंट हमारा इक्विलिब्रियम एलिमेंट बनेगा या इक्विलिब्रियम इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा. अगर एक एलिमेंट से ज़्यादा है लेंथ ऑफ द एरे तो हमें लेफ्ट, राइट और इक्विलिब्रियम इंडेक्स नाम के तीन वेरिएबल्स चाहिए. लेफ्ट आपने जीरो असाइन कर दिया, राइट सम को भी जीरो असाइन कर दिया, और इक्विलिब्रियम इंडेक्स को आपने माइनस वन रखा है. अगर ये इस पूरे फॉर लूप में कहीं चेंज होता है तो दैट मींस एरे में इक्विलिब्रियम इंडेक्स प्रेजेंट है, अदरवाइज एरे में इक्विलिब्रियम इंडेक्स नहीं प्रेजेंट. अब लूप में हम क्या कर रहे हैं, यहां पे मैंने आई को स्टार्ट करा है वन से, ठीक है, तो थोड़ा सा ड्राई रन में चेंजेस देखना. लेफ्ट सम में हम पिछली बार क्या ऐड कर रहे थे, जब हमारा आई शुरू हो रहा था जीरो से, एरे ऑफ आई ऐड कर रहे थे, लेकिन अब हमारा आई शुरू हो रहा है वन से तो हम एरे ऑफ आई माइनस वन ऐड करेंगे, क्योंकि लेफ्ट सम में सबसे पहला एलिमेंट जो हमें ऐड करना है वो है जीरोथ एलिमेंट, और जब आई जीरो था तो जीरोथ एलिमेंट आएगा एरे ऑफ आई से, जब आई वन था जीरो कैसे आएगा, आई माइनस वन से, है ना. सिमिलरली राइट सम में हम पिछली बार क्या, कौन से इंडेक्स पे फोकस कर रहे थे, एन माइनस वन माइनस आई, लेकिन यहाँ पे आई वन है तो यहाँ पे राइट सम में कौन से एरे के एलिमेंट ऐड होंगे, एन माइनस आई इंडेक्स वाले एलिमेंट, ठीक है. फिर हम चेक करेंगे हर बार जब हमने आई की वैल्यू चेंज करी है उसमें हम लेफ्ट सम में एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, राइट सम में एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं. लेफ्ट सम में लेफ्ट का एक नया एलिमेंट ऐड होगा और राइट सम में पीछे से आते हुए राइट साइड का एक एलिमेंट ऐड होगा. फिर हम चेक करेंगे अगर ये दोनों सम बराबर है तो इक्विलिब्रियम इंडेक्स वाली वेरिएबल को अपडेट करेंगे, और यहां हमारा काम खत्म हो जाता है तो हम इस पर्टिकुलर लूप से बाहर आ जाएंगे, ब्रेक कर लेंगे. और फिर इस फॉर लूप के ख़त्म होने के बाद या तो हम ब्रेक करने से फॉर लूप के बाहर आए हैं या फिर बिना इक्विलिब्रियम इंडेक्स मिले फॉर लूप के बाहर आए हैं. दोनों ही सिचुएशंस में हम इक्विलिब्रियम इंडेक्स प्रिंट करेंगे. अगर हमें इक्विलिब्रियम इंडेक्स मिला है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम इंडेक्स में वैल्यू होगी आई, ठीक है. अगर नहीं मिला तो इक्विलिब्रियम इंडेक्स में वैल्यू होगी माइनस वन, ठीक है. तो अगर आप सेम ही पिछले वाले एरेस पे ये वाली अप्रोच भी रन करेंगे आपको आउटपुट सेम मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. और इस केस में भी आपको डिफरेंट सिनेरियोज में दिख सकता है कि क्या क्या आउटपुट होंगे. अगर एक एलिमेंट है तो इक्विलिब्रियम इंडेक्स है ज़ीरो, इस एलिमेंट, इस पर्टिकुलर एरे के लिए इक्विलिब्रियम इंडेक्स हमारा टू आ रहा था, थर्ड एरे के लिए इक्विलिब्रियम इंडेक्स था थ्री, और लास्ट वाले एरे में हमारे पास कोई इक्विलिब्रियम इंडेक्स नहीं था तो इसलिए वैल्यू थी, आउटपुट था माइनस वन. अब फाइनल स्लाइड में दोनों अप्रोचेस की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक बार कंपेयर कर लेते हैं. अब अप्रोच वन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको बताई, क्योंकि दो हमारे पास तीन लूप्स यूज हो रहे हैं लेकिन जो लास्ट के दो लूप्स हैं वो आउटर लूप के अंदर हैं, यानी ये अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर आता है. और सेकेंड अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सेकेंड अप्रोच में हम एक ही बार एक लूप रन कर रहे हैं, मतलब एक लूप रन कर रहे हैं एन टाइम्स, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन.
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही केसेस में ऑर्डर ऑफ वन होगी, चाहे वो अप्रोच वन हो या अप्रोच टू हो, क्योंकि दोनों में ही हम फिक्स्ड नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं जो कि एन यानी नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स के टर्म्स में नहीं है। तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के केस में बेटर अप्रोच सेकेंड अप्रोच होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या टॉपिक इसमें इंटरेस्टिंग लगा और क्या अप्रोचेस आप यूज कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये भी हमें बताइए कि आपकी इस वीडियो ने किस तरीके से हेल्प करी, क्या नया सीखा आपने इससे। और अगली वीडियो में जब तक हम मिलते हैं, तब तक के लिए माइंड योर एग्जाम चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।